तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। और आपको और आपके पूरे परिवार को ए टू जेड फौजी ब्लॉग की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद जो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से आज हमारा 5K यानी 5000 का फैमिली मेंबर हो गया है। 5000 से हमारा सब्सक्राइबर पूरे हो गया है और आपका ऐसे प्यार सपोर्ट रहा तो ऐसे ही हमारा फैमिली आगे बढ़ते रहेगा और नई नई आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज बात करेंगे, आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं सर सेकंड लिस्ट। हमने इसके लिए वीडियो डाल दिया था लेकिन आप लोग वीडियो को स्क्रिप करके देखते हैं, आप वीडियो पूरा देखते नहीं है, फिर आप वही कमेंट करते हैं जो ऑलरेडी हमने बता रखा था। आज टॉपिक उसी पे बात करेंगे, आपका सेकंड लिस्ट का कट ऑफ क्या होने वाला है, सीट पे कॉम्पिटिशन कितनी थी, इसी टॉपिक पर आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और आप लोग अगर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाली घंटी को प्रेस कर दे ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ना ही लाइक करने से जाता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते आज का टॉपिक, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आपका सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए ट्रेड टेस्ट इतना इजी हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, लेकिन मेडिकल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। अपेक्षा करेंगे आपका जो सेकंड लिस्ट का जो भी कमेंट था आज क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपका मेडिकल वगैरह चल रहा है, फाइनल कटअप क्या है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का, और आप लोग ही बताइएगा क्या सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, इसका आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं, देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल 2020 की वैकेंसी और प्रक्रिया शुरू हो गई आपकी 24 में, यानी 4 साल बाद, ठीक है ना। पहले देखिए आपका ट्रेड वाले जैसे बात करते हैं, टोटल पोस्ट आपका तो सीआरपीएफ में टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन का 789 पोस्ट है, लेकिन बात करते हैं इसमें टोटल सिर्फ 250 पोस्ट है आपका नॉन टेक्नीशियन यानी ट्रेडमैन वालों की, सिर्फ कितनी सीटें हैं टोटल 250, ठीक है। और बच्चे को शॉर्टलिस्ट कितना किया गया है, 11000 प्लस, यानी 11500 प्लस आपको बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया है आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है, मेडिकल के लिए, डीवी के लिए, ठीक है। पोस्ट देखिएगा, हर बार मैं बताया हूं, फिर एक बार बता रहा हूं आपको, कुक का पोस्ट सिर्फ 116 पोस्ट है जिसमें कितने बच्चों को बुलाया है, 5241। क्या आपको लगता है कि 5241 बच्चों में 116 बच्चे उसको नहीं मिलेंगे, जबकि आपका जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड का टेस्ट नॉर्मल हो रहा है, मेडिकल थोड़ा सा टफ हो रहा है, मेडिकल आधे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। अब 100 बच्चों में से आपको पहले ही बताया था जिसमें से आपको 50, 55, 40, 45 एवरेज हमने मानकर चला था 40 बच्चे, एवरेज मान के चला था 100 में 40 बच्चे पास हो रहे हैं, 40 में से 20 बच्चे मेडिकल में निकल जा रहे हैं, फिर भी 20 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, 100 में 20 यानी 2% मान के चलिए। तो क्या आपको लगता है कि 5241 बच्चों में से 116 बच्चे पास नहीं होंगे, होंगे ना, ठीक है। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी का, 121 पोस्ट है, 5991 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, वही आपका ट्रेड, डीवी और मेडिकल के लिए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि 5000 बच्चों में से 121 बच्चे नहीं मिलेंगे, जबकि ट्रेड सबको पास कर रहा है, बहुत ना, हमने तो बहुत कम किया है, कटअप बहुत 100 में 40 किया है, लेकिन 50, 60, 70, 80 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। हर सेंटर का अपडेट आपको हमने पहले वीडियो में दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हो देखिए वाशरमैन की, टोटल पोस्ट कितनी है, 5 ही पोस्ट है, 183 बच्चों को बुलाया है। अब 183 बच्चे में भी 5 जाहिर सी बात है सारे के सारे बोधित होंगे नहीं, आ ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वाशरमैन का, 3 सीट है और सबसे ज्यादा बच्चे को बुलाया गया है, देखिए 524 बच्चे को बुलाया गया है, ठीक है। तो क्या इसमें नहीं
मिलेंगे। मसालची का वही है, 4 पोस्ट है, 32 बच्चे को बुलाया गया है। टेबल बॉय का 1 सीट है, 10 बच्चे को बुलाया गया है। यानी टोटल अगर बात कर लेते हैं, अगर आपका टोटल 11,000 मतलब वही 11,000 प्लस अगर बच्चे को बुलाया गया है और 250 बच्चे को ही पास करना है, तो आपको लग रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बोला था सेकंड लिस्ट आएगा। हमने ये नहीं बोला था कि सेकंड लिस्ट आएगा, हमने ये बोला था कि सेकंड लिस्ट अगर आएगा तो हम आपको अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? अपडेट आएगा तो देंगे, अपडेट नहीं आया एक दो दिन में आपका 28 तक खत्म हो जाएगा। आपको कितना है, 28 को लास्ट है आपका, लास्ट डेट है, टेस्ट होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जो भी बच्चा किसी भी कारण से, चाहे आप SSC GD के एग्जाम देने चले गए हो, बीमार पड़ गए हो, आपने लेट एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, किसी भी कारण से अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित नहीं हुए हैं, तो प्लीज आप 28 तारीख तक जाके आप अपने सेंटर पे जाके अपना ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको आज क्लियर हो गया ना कि सेकंड लिस्ट आपका नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका रीजन भी अब देख लीजिए क्यों। अगर यहां तक आप बने हैं तो पक्का टोटली आपको पूरी समझ में आ जाएगी। जो बच्चे भाग गए होंगे वही फिर कमेंट करेंगे, और वो यकीन मानेंगे, वो कमेंट करेंगे तो उनका रिप्लाई भी नहीं देंगे हम, ठीक है? अब देखिए बात कर रहे थे आपका देखिए कुक का 2020 में आपको 116 पोस्ट दिया था, लेकिन यही आपको देखिए कुक में क्या किया है। कुक और वाटर कैरियर एक ही है, देखिए यहां मेजर हुआ है वाटर कैरियर, ठीक है, और कुक सेम है। और बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर वाटर कैरियर का टेस्ट क्या हो रहा है, तो वही कुक वाला ही टेस्ट होता है, आपसे सब्जी वगैरह कटवाया जाता है, ठीक है, आपसे आटा वाटा गुलवाया जाएगा। वाटर कैरियर का मतलब ये होता है कि कुक का हेल्प करना, ठीक है। अब वही 2023 में जब वैकेंसी आई है तो 2429 पुरुष के लिए और 46 महिला के लिए, यानी 2475 पोस्ट आपका 2023 में आ गया कुक के लिए। तो क्या अब आपको लग रहा है कुक का सीट इसमें बढ़ाया जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां इसको बच्चे वैकेंसी आ गई है, तो इसको बढ़ाने से क्या, क्योंकि इस ट्रेड के बाद, ठीक है ना, इसके बाद आपका ट्रेडमैन का ही नंबर है, ठीक है ना। जो बच्चे इसमें कम पड़ रहे हैं ये यहां पूरे हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि रिजल्ट में देखिएगा इसका कहीं हो सकता है फाइनल रिजल्ट में अगर लेट करें, आपको एक और डाउट में रखता हूं, अगर आपको फाइनल रिजल्ट में अगर लेट करेगा तो हो सकता है यहां जो बच्चे अगर पूरा नहीं होंगे तो जिनका कम नंबर रहेगा इसमें पूरा कर दिया जाए, समझ रहे हैं? तो सीट आपको बढ़ने की चांस नहीं है। अब आते हैं सफाई कर्मचारी का, देखिए 2023 में 811 है, महिला 13 यानी 824, 2023 में भी है, इनका टेस्ट होने वाला है, ये भी बढ़ने की चांस नहीं है कि इसमें भी आपका सेकंड लिस्ट आएगा, ठीक है। वाटर वाशरमैन का 403 और 3 महिला के लिए 406, टोटल 406 पोस्ट अभी 2023 में आ गया। लाइक कारपेंटर ड्राइवर वगैरह का अलग अलग है, ठीक है। अब जो वाशर वाटर कैरियर है, आपको पहले ही बता दिया, 1 और 3 लिखा हमने, 1 और 4 का है, ठीक है। वाटर कैरियर और कुक सेम हो गया, तो इतना ही वैकेंसी इसके लिए भी आ गया है। तो इस हिसाब से आपको बता दूं कि आपका आप सेकंड लिस्ट आने वाला नहीं है, तो आप बार बार इस चक्कर में ना पड़ना कि सर सेकंड लिस्ट आएगा आएगा आएगा। बच्चे का अगर सीट इंक्रीज भी होगा या इस वैकेंसी से इसमें अगर पूरा किया जाए तो भी जो ये बच्चे हैं जितने पास हो रहे हैं, हो सकता है उनका फाइनल में थोड़ा कम चला जाए, इनमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सेकंड लिस्ट आने का चांस नहीं है। आज पूरा कंफर्म हुआ कि आपका सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात कर रहे थे आपका अब कटअप का, ठीक है ना, कि इनका फाइनल मेरिट अब कितने पर बनेगा, ठीक है। तो हालांकि अभी इसका कोई डाटा नहीं है, ना ही इसका कोई आपको आंसर कटअप दिया है कि इतने बच्चे वालों को शॉर्टलिस्ट किया गया है आपको ट्रेड टेस्ट देने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी फाइनल सिलेक्शन ले लिए हैं, तो आप अपना अपना मार्क्स जरूर कमेंट में बताइएगा कि सिलेक्शन हो गया है, कितना मार्क्स है, उस इस बेसिस पे आपको कटअप जारी हो सकता है। अनुमानता ऑफिशियल नहीं है कि आपका इतना बच्चे वाला का पास होगा, अनुमानता। तो आप अपना अपना कटअप भेजिएगा कि सर 73 है, 42 है, 45 है, जितना भी है ट्रेड के साथ अपना भेजिएगा।
हालांकि 2018 की एक वैकेंसी जब आई थी आपका बता दू ट्रेडमैन की सीआरपीएफ की, उस समय का दो स्टेट का हमारे पास कटअप आया था, उस समय बहुत कम कटअप गया था। तो देखिए बात कर रहे थे हम आपका कहां का करते हैं एमपी का, ठीक है ना, एमपी का। एमपी में जब कुक का फाइनल लिस्ट जब आया था ना फाइनल, तो मात्र 44 नंबर वालों को पास कर लिया गया था, फाइनल मेरिट बना था सिर्फ 44 नंबर वालों को एमपी का 2018 में, ठीक है। सफाई कर्मचारी का बात कर देता हूं एसके का, ठीक है, तो 56 नंबर था, ठीक है, उसका फाइनल। उसके बाद से वाशरमैन का बात कर लेता हूं तो उनका 52 नंबर था एमपी का, एक और स्टेट था गुजरात, ठीक है ना, एमपी का हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका गुजरात का, ठीक है, गुजरात का देखिए वही कुक का है, सफाई कर्मचारी का है, एसके का और आपका वाटर सॉरी वाशरमैन का। तो इनका देखिए कुक का गुजरात वाले का 38 नंबर का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकला था, उस समय एक दो ही सीट तक फिर भी, ठीक है। उसके बाद से बात कर सफाई कर्मचारी का तो 42 और वाशरमैन का 37, ये 2018 का है, 18 में इतने पे मेरिट कम गया था ये स्टेट वालों का, ठीक है। इस बार भी आपका मेरिट कम ही जाएगा, ज्यादा नंबर पड़ने की चांस नहीं है, वैकेंसी दोनों आसपास में है, दोनों कंप्रोमाइज करके अगर चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिजल्ट जारी बोझ हो जाएगा, 28 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप सीआरपीएफ ट्रेडमैन वाले का होने वाला है। तो सेकंड लिस्ट के बारे में आपने समझ लिया, सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। जो बच्चों को डाउट था कंपटीशन का लेके, आपको भी डाउट हो गया कि एक सीट पे कितने बच्चों को लड़ रहे हैं आप लोग, और दूसरा आपका 2023 का भी हमने दिखाई दिया कितनी सीट है किस पोस्ट के लिए, और तीसरा आपको हमने 2018 का कटअप दिखा दिया, ठीक है, दो स्टेट का एमपी का और गुजरात का, सिर्फ तीन तीन पोस्ट का दिखाया है क्योंकि उस समय किसी में 10 किसी में 12 किसी में 5 पोस्ट थे, फिर भी इतना कम कटअप गया था। तो आप कटअप सेकंड लिस्ट आपका कोई आप कमेंट नहीं आना चाहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट करते हैं इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।